जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बहुत ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि पिछले दिनों कोविड की वजह से फिर जो ये गलत फहमियाँ और वैक्सीन, तो बहुत ज़रूरी था कि आपके सामने हम इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है, जो आगे वैक्सीनेशन जिस तरह कर, उसकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो आप सबको पता है और मैंने हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोविड कहीं गया नहीं है, कोविड मौजूद है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हर किस्म की हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। वैक्सीन का सिलसिला तो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह अगले दो दिन बाद, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़ हम आपको बता देते हैं। आज के दिन में अगर मैं बताऊं आपको तो 443 नए केसेस सामने आए हैं, 443, और इसके अंदर डेथ्स जो हैं वो 11 हैं। अगर मैं डेली एवरेज में परसेंटेज आपको बताऊं तो लाहौर 3.79 इन्फेक्टिविटी रेट है, रावलपिंडी का 1.9, मुल्तान 1.3 और फैसलाबाद 3.3। एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट जो आज के दिन में हुए हैं वो तकरीबन 15,000, और मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी अभी भी बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है, और उसका बहुत फ़ायदा इसलिए हो जाता है कि नेचुरली जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और लोग आइडेंटिफाई होते हैं, बल्कि इसके ऊपर हमें बहुत सारे तारीफ़ी कलामात जो हैं वो भी इन्होंने अप्रिशिएट किया कि जिस तरीके से हम सिचुएशन को फिर कंट्रोल करते हैं, कि लोगों को बार बार एडवाइस करते हैं कि आप घर से ना निकलें, आइसोलेट करें, और आइसोलेशन के अलावा तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे SOPs फॉलो हो रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के, वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। और उसके अलावा फिर हम इंश्योर करते हैं कि जो स्मार्ट लॉकडाउंस हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त लॉकडाउंस लाहौर के अंदर जो हैं वो तकरीबन 18 हैं, गुजरांवाले में एक है, गुजरात में एक है, 3 हाफिज़ाबाद में, और ये लॉकडाउंस के तहत कोई 5634 लोग जो हैं उनको हमने आइसोलेट किया हुआ है। वजह यह है कि इनकी फैमिलीज़ में और घर के अंदर, क्योंकि इनको क्वारंटीन पीरियड, सो एवरीथिंग इज़ बीन फॉलोड अकॉर्डिंगली। और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लेटो पहले कर गए थे, इसका मतलब है वी वर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, जितने केसेस आ रहे थे उतने केसेस घर भी वापस जा रहे थे, अल्लाह की मेहरबानी से शफा होके उनकी। अब इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता नंबर जो है वो कम हो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज खुल गई हैं, SOPs बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं, सेक्रेटरी साहब ने एक पूरी हमारी टीम तैयार है, दो दिनों के बाद बाकायदा यूनिवर्सिटी वालों के साथ सेमिनार्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ सबको बता रहे हैं कि आप लोगों ने इंश्योर किस तरह करना है कि प्रॉपर SOPs फॉलो हों। तो उसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलरली प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है, एक बड़ा रोबस्ट रोल प्ले कर रहा है रिगार्डिंग स्कूल्स इन क्लोज कोलैबोरेशन विद दी एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो 8 तारीख को सिचुएशन की बाकायदा हम रिव्यू करेंगे कि स्कूल कॉलेजेस खोलने से क्या असर हुआ है, हमने आगे मज़ीद कितने लॉकडाउंस करने हैं, ये हम इंशाल्लाह आपके साथ 8 के बाद शेयर करेंगे जब सारे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे सामने। वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोई 5 लाख डोजेज जो हैं वो साइनोफार्मा, जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी है चाइना की, बतौर तोहफा और डोनेशन चाइनीज़ हुकूमत ने पाकिस्तान के फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए भेजी। तो आपकी वसादत से मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि चाइनीज़ हमेशा हमारा दोस्त रहा है चाइना, और हमेशा इस मसले के अंदर उन्होंने पहल की। तो जो पहली कंसाइनमेंट है वो इस्लामाबाद पहुंच गई है, और इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट ने NCOC के तहत एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में अकॉर्डिंग टू द हेल्थ वर्कर्स विच हैव बीन रजिस्टर्ड, जितने हमने हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर किए हैं उसके मुताबिक उन्होंने वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह आज शाम को कल सुबह तक हम कलेक्ट कर लेंगे। बुध वाले दिन फॉर्मली पूरे पाकिस्तान के अंदर, अभी मैं NCOC की मीटिंग से आ रही हूँ, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि बुध वाले दिन फॉर्मली सारे चीफ मिनिस्टर्स वर्चुअल तरीके से जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके बारे में वो
एक दफ़ा हम इंशाल्लाह वैक्सीनेशन शुरू करेंगे और ये यहाँ नहीं ख़त्म होगी। जो सबसे खुशखबरी है वो ये है कि एस्ट्राजेनेका से 17 मिलियन वैक्सीन जो है वो कोवैक्स ने पाकिस्तान के लिए प्रोक्योर कर ली है और वो इंशाल्लाह इस महीने और फर्स्ट वीक में से आना शुरू हो जाएगी मुसलसल। तो हमारा जो क्राइटेरिया है, जो अभी मैं आई विल रिक्वेस्ट कैप्टन उस्मान साहब को कि ये आपको ज़रा जो हमने सारा अरेंजमेंट किया उसकी 5 मिनट में डिटेल बता देंगे कि एनसीओसी की जो टीम आई थी उसने बहुत आके अप्रिशिएट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपना तरीका, अपने जो स्टोरेज का काम है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन का और लगाने का वो बहुत। मैं ओवर टू उस्मान फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई गेट बैक टू यू। जी अच्छा जी चलिए जी, थैंक यू मैडम। हमने जी पंजाब के अंदर 189 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स अभी तक बनाए हैं और इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को हमने इक्विप किया है ताकि हमारी जितने भी लोग जिनकी वैक्सीनेशन हो उनका डिजिटल रिकॉर्ड जो है इसके ऊपर रखा जा सके। अभी तक हमने जो हमारी डेफिनेशन थी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की, उस डेफिनेशन के मुताबिक लगभग 4 लाख के करीब लोगों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। ये रजिस्ट्रेशन साथ साथ हो रही है, इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जनरल प्रैक्टिशनर्स की भी है जिन्होंने अभी रजिस्टर होना है और वो जब इसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो इसमें सब्सिक्वेंटली फिर हमने अपनी ओल्ड एज पॉपुलेशन को ऐड करना है, 65 साल से ज़ायद उम्र के लोग और फिर उसके बाद 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग इसमें ऐड होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये जो एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं इनकी लोकेशंस और इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। पूरे पंजाब में अब तक हम तकरीबन 600 से ज़ायद लोगों की 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ट्रेनिंग करा चुके हैं। 72 हमने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हुए हैं। जिस जिस ज़िले में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मज़ीद एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है उनको बनाया जाएगा और उनको इक्विप करके वहाँ से वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। फिल वक्त जो है फेज़ वन के अंदर हमारी जो इस वक्त प्रायोरिटी है, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि हम अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने खास तौर पे कोविड के अंदर ट्रीटमेंट किया है उनको हम इस वक्त जो वैक्सीन हमारे पास आ रही है उनको प्रायोरिटाइज करके हम ये वैक्सीन उनको लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सब्सिक्वेंटली जो लो प्रायोरिटी के लोग हैं उनके ऊपर फिर बाद में जब सेकंड खेप आएगी उसके अंदर उनको वैक्सीनेट करेंगे। फिल वक्त जो हमारे पास वैक्सीन आ रही है ये 17,000 लोगों के लिए काफ़ी है। इसकी सेकंड डोज जो है वो हमें 21 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी क्योंकि हमने दोबारा फिर इसकी सेकंड डोज भी इन्हीं लोगों को लगानी होगी, तो उसकी सेकंड डोज भी हमें इंशाल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। मैं इस बात के हवाले से भी लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि चूँकि इस वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज की अरेंजमेंट होना ज़रूरी है, हमारे पास पंजाब के अंदर सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर ILRs अवेलेबल हैं। तमाम ज़िलों के अंदर 2,500 के करीब हमारे पास ILRs हैं और हमने अपनी कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो है और इसके साथ साथ जो इस वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसकी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं वो भी हमने लाहौर पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उसकी अरेंजमेंट भी कर ली है और इंशाल्लाह ताला इसको बहिफाजत जो है वो तमाम एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ला के लोगों को वहाँ पे उसके मुताबिक प्लान के मुताबिक वैक्सीनेट किया जाएगा। थैंक यू। अब जो अहम चीज़ है वो अगली बात है वो ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। वजह ये है कि आपको पता है कि कौन साइना चाइनीज़ के साथ हमने एक बाकायदा ट्रायल की है। ट्रायल की इस वक्त एफिकेसी के ऊपर कनाडा के अंदर बाकायदा एनालिसिस हो रहे हैं। अगले 2 हफ्ते के अंदर हमारे पास नताइज आ जाएंगे और ये आपको मैंने पहले बताया है ये साइनोफार्मा से आई है। एस्ट्राजेनेका वाले जो हैं वो 170 मिलियन देंगे हमें, सॉरी हर मरतबा 17 मिलियन देंगे और ये पहली देंगे। दे आर कमिटेड टू गिव इट टू फॉर द 20% ऑफ पॉपुलेशन, 20% पॉपुलेशन के लिए फ्री वैक्सीन कोवैक्स ने देनी है। कोवैक्स बेसिकली कोलैबोरेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, गावी का, जो पहले भी वैक्सीनेशन में हेल्प करते रहते हैं वो सारे उन मुल्कों के लिए जो जैसे हमारे मुल्क हैं उनके लिए वो परचेज करके बाकायदा वो तो दे ऑलरेडी, वो तो आपने ट्वीट भी पढ़ी होगी, खबर भी लगी हुई है, असद उमर साहब ने भी बताया कि दे आर कमिटेड के इस महीने के आखिर या फर्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कौनसाइना का जब नताइज आएंगे सामने और इंशाल्लाह मुस्बित नताइज आएंगे तो सबसे पहले उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है कि हमें जितनी तादाद में वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी वो इंशाल्लाह हमारी वैक्सीन हमें सप्लाई करेंगे। हुकूमत पंजाब ने पैसे अलहदा वैक्सीन के लिए रखे हुए हैं कि अगर हमें प्रोक्योर करने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास इंशाल्लाह कोई 1 अरब
और 80 लाख रुपए अलहदा भी रखे हुए हैं। मज़ीद की ज़रूरत पड़ेगी तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप बिल्कुल वैक्सीन के मसले में परेशान ना हो। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट न सिर्फ हम उन हेल्थ वर्कर्स को दे रहे हैं जो हमारे सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, बल्कि उन वर्कर्स को भी हम देने लगे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिन्होंने कोविड के मरीज़ों का ख्याल किया है। उनकी भी बाकायदा लिस्टें हेल्थ केयर कमीशन ने तैयार की हैं। जितना हिस्सा हमारे वर्कर्स को मिलेगा उतना ही जुडिशियसली हम उनको भी देंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं इसलिए आपको सारी बातें बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ फैलाई जा रही थी। प्रायोरिटी हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वन, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स ने आप सबका ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उसके बाद जैसे सेक्रेटरी साहब ने एक्सप्लेन किया है, अगली खेप जो है आपकी वो है जिन लोगों की उम्र 65 साल से ज़्यादा है, वो हमने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है अपना अपना नादरा से, उनको मिलेगा। और उसके बाद अबव एज 60, फिर अबव एज 55, और फिर इंशाल्लाह अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो ये मैं पूरी तसल्ली पंजाब के लोगों की करवाना चाह रही हूँ कि आपको जो ये गलत फहमियाँ सामने आ रही हैं आप बिल्कुल ना सुनिएगा। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारी सबसे वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी का, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, इंशाल्लाह सबको वैक्सीनेशन अगले 4 से 5 माह के अंदर वाफर मकदार में सारा मिल जाएगा। मतलब ये प्रोसेस जो है ये मुसलसल परसों से चलना शुरू होगा और ये चलता रहेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी देयर कॉन्स्टेंट। कुछ और मैं आपके सामने बातें रखना चाह रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि ये खबर भी निकले ज़रूर बाहर। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी हुकूमत आई है हमने 2-3 चीज़ों पे बहुत काम किया हेल्थ के अंदर, क्योंकि हमेशा शिकायत ये होती थी कि अमले की कमी है इसकी वजह से अस्पताल ठीक नहीं चल रहे, दवाइयों की कमी है, पैसे नहीं हैं, इसलिए हमने इंश्योर किया कि जब से हमारी हुकूमत आई है हमने 32,000 नए एम्प्लॉइज़ हायर किए, जिनके अंदर डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिक्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो अपना फार्मासिस्ट हैं, और पहली दफ़ा मेल नर्सेस हायर किए हैं। तो हमने इंश्योर किया कि हम ये सारा कुछ कर लें। उसके बाद दवाइयों के, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, 42 अरब रुपया दवाइयों के लिए मखसूस करके हॉस्पिटल्स को बाकायदा दे दिया गया है टू इंश्योर कि मरीज़ों के लिए फ्री मेडिसिन, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, एड्स, इसकी बाकायदा मुकम्मल लिस्टें हमारे पास हैं और मुसलसल मरीज़ों को फ्री मेडिसिन मिल रही है। तीसरी अहम चीज़ थी कि इंस्ट्रूमेंट्स के में था कि जी इक्विपमेंट में पुराना इक्विपमेंट है, काम नहीं कर रहा, 10 अरब रुपए का इस साल इक्विपमेंट लाया गया है। अब जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर दी हैं तो हमारी 2 सर्वेलेंस टीम्स बनी हुई हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर जनरल अपना हारून साहब, और दूसरी तरफ आसिफ तुफैल साहब को ये ड्यूटी दी गई है टर्शी केयर से। हॉस्पिटल्स की हर रोज़ चेकिंग हो रही, और आप लोग खबर भी सुन रहे होंगे, हर ये आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं बता दूं कि हॉस्पिटल्स मस्ट इंश्योर सफाई, अटेंडेंस, आपके वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हों, दवाइयों के बारे में कोई शिकायत ना हो, तो वरना उसी तरह एक्शन लेंगे जिस तरह आपको पता है कि हमने एक्शन लिया पिछले दिनों सादरे हॉस्पिटल का, वी हैव टेकन एन एक्शन अगेंस्ट शेखुपुरा, वी हैव टेकन एक्शन, कल ही की बात है आपको पता है कि डीजी गए थे वहाँ उकाड़े में, एक्शन हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट दैट। सो वी मस्ट इंश्योर किसी तरीके से भी, उस्मान बुज़दार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर का हुक्म है कि किसी तरीके से कोई मरीज़ कभी तंग हुआ तो वी विल देन इंश्योर कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको टास्क पे, बिकॉज तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, नौकरियां बढ़ा दी हैं। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुकूमत ने 44 स्कूल्स जो थे नर्सिंग को उनको कॉलेजेस में कन्वर्ट कर दिया नर्सेज के लिए, और नर्सेज का स्टाइपेंड जो है वो 21,000 से 31,000 पे चला गया, 31,000। एक बच्ची जब दाखिल होगी नर्सिंग कॉलेज के अंदर तो उसकी पहले दिन से उसको 31,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। नॉट ओनली दैट, नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन इंक्रीज, 1600 से हमने इस वक्त 2350 सीटें कर दी। अगली जो अहम बात है आपके सामने रखने की वो हेल्थ कार्ड्स के बारे में। आपको पता है कि खान साहब का
और उस्मान बुज़दार साहब का, इमरान खान साहब की एक विज़न है कि हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेहत की सहूलत जो है उस पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो एसेट है, हम कहते हैं हमारा मुल्क का एसेट हमारी लोग हैं, हमारी कौम है, अगर आप इनको सेहत की और एजुकेशन की सहूलतें दे देंगे तो इंशाल्लाह ये कौम जो है एक बहुत बड़ी कौम बन के मर्ज होगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 100% आपको पता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू हो गया थ्रू इंश्योरेंस। इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हम भी पूरे सूबे के अंदर 2,93,00,000 फैमिलीज़ जो हैं उनको हेल्थ कार्ड दे दिया जाएगा। इस माली साल के अंदर साहिवाल डिवीज़न और अपना डीजी खान डिवीज़न वो इसी माली साल में उनकी 100% मुकम्मल हो जाएगा सारा कुछ, और ये दोनों डिवीज़न इसी माली साल में मुकम्मल हो, और बाकी जितनी डिवीज़न्स हैं वो दिसंबर 2021 तक जो है ये सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। एक बार बार खबरें निकल रही हैं जो कि मुझे दुख भी होता है कि पहले ज़रूर वेरीफाई कर लिया जाए, मैं किसी अखबार का नाम नहीं लेना चाह रही, मेडिकल कॉलेज की सीट्स के ऊपर बड़े खप मची हुई है जी, पंजाब ने सीटें कम कर दी। पहले तो आप ये, पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का काम किया, इस वक्त हम अभी भी 335 लोगों को अपने सूबे के अलावा सीटें देते हैं पंजाब के अंदर, ये तकरीबन आप समझें 3 मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बन जाती। इतने स्टूडेंट्स हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, सिंध, बलूचिस्तान, इन सब का कोटा हमारे पास मौजूद है। और ये जो पिछले दिनों शोर मचा के जी सिंध की सीटें काट दी गिलगित, ये बिल्कुल गलत बात है, कोई सीट नहीं कटी, हमने बिल्कुल किसी सीट में कोई कमी नहीं लेके आए। मैं आपको सीटों की जो डिवीज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि हमारे शेख जायद हॉस्पिटल जो था वो पहले अपना पंजाब के पास था और वो पंजाब के मेरिट में आता था, जिसमें 90 सीटें हमारे पास थी पंजाब के लिए। वो हमने जो कोटे की सीट्स थी वो अपना मैं आपको ये बता दूं, जो हमारी कोटे की सीट्स थी फातिमा जिना में, वहाँ हमने कम करके हमने अपनी 47 सीटें फातिमा जिना में रिटेन की, ताकि जो सीटें हमारी कम पड़ रही हैं शेख जायद में, पंजाब वालों को एक सीट भी नहीं कम हुई। सो सारी सीटें मुकम्मल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में शोर मचा हुआ था तो मैं आपको क्लियर करती जाऊं, 55 सीटें गिलगित बल्तिस्तान की उसी तरीके से हैं, सिर्फ ये है कि अपने सारे मेडिकल कॉलेजेस में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट की हैं ताकि सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उनकी सीटें हों। 2 सीटों की कमी इसलिए आ रही है कि शेख जायद ने उनको 4 सीटें देनी थी कोटे के मुताबिक, क्योंकि अब वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने उनको 2 सीटें दी है। हमारी तरफ से अभी तक बिल्कुल कोई कमी नहीं, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सिंध के रिजर्व सीट्स फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स, उसी तरीके से सारी मेडिकल कॉलेज की सीट्स मौजूद हैं। तो ये जो अफवाहें उड़ती हैं कि जी सीटें कम कर दी हैं, तो मैं आपको पूरी तसल्ली दे दूँ कि कोई सीट कम नहीं हुई। ये भी बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान की कोई सीट कम नहीं हुई, हमने कहीं किसी की सीट कम नहीं की, सिर्फ एडजस्टमेंट इस वजह से हुई है कि शेख जायद मेडिकल कॉलेज जो है वो अब आपको पता है कि इट हैज़ गॉन टू दी फेडरल गवर्नमेंट, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट के पास होने की वजह से हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि हम तो हमने वहाँ से उनका कोटा कम करके अपने कॉलेजेस के अंदर कोटा बढ़ा दिया है। तो इसी तरह से ये तो सब अपने स्टूडेंट्स को भी तसल्ली होनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज की कोई सीट कम नहीं हुई। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बड़े भाई वाला रोल है ना, वो हम प्ले कर रहे हैं उसी तरीके से। अभी तक हमारे पास 3 मेडिकल कॉलेजेस की तादाद हम अभी भी बाहर के सूबों से लेके उनको रिजर्व सीट्स और कोटा सीट्स देते हैं। इसके साथ मैं सबसे आखिर में ये बात बताना चाहूँगी कि इंशाल्लाह परसों चीफ मिनिस्टर साहब वैक्सीनेशन की वो शुरुआत करेंगे, और ये वर्चुअली पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही वक्त में होगा। और मैं क्लियर करना चाह रही हूँ दोबारा, ये डोनेशन जो है ये हकूमत पाकिस्तान को मिली है, और हकूमत पाकिस्तान ने अपने सारे सूबों को बिल्कुल जुडिशियसली
डिवीजन करके उनसे डिस्कस करके सारे हम मिनिस्टर्स बैठे और सारे एक पेज पे हैं कि हम इंशाल्लाह 3 तारीख विच इज़ वेडनेसडे शुरू करेंगे, सबसे पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर उसके बाद जो हाई प्रायोरिटी वर्कर्स, और ये गलत फहमियाँ फैलानी कि जिस ने मंगा ली वो पहले शुरू करने लगे हैं, देर मतलब एक मैं पढ़ी थी दे हिट द ग्राउंड रनिंग, मकसद ये है कि जो 5 लाख डोजेज आई हैं वो तो सब में डिवाइड हुई हैं, सिंध को भी उसी तरह मिल रही हैं। अब अगर आपने कोई सवाल, मैडम ये बता दें 70,000 डोजेज आपके हिस्से में आई हैं जो रावलपिंडी से डिस्पैच हो गई हैं लाहौर पहुंचने वाली है, तो कौन सा हॉस्पिटल होगा जहां से आप शुरू करेंगी, और हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल हैं तो कौन से हॉस्पिटल के आपने सेलेक्ट किए हैं जिनको लगाई जाएगी? देख मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट जिनमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट है वो लाहौर है। इसी तरीके से वो सारा हमने पूरा वो स्टेटिस्टिक्स जो आपको हम बुध वाले दिन आफ्टर द चीफ मिनिस्टर्स अप्रूवल हम आपको बाकायदा अनाउंस करेंगे, बिल्कुल जुडिशियसली दिए जाए। और मैं श्योर करना चाह रही हूँ आप किसी VIP को नहीं मिलेगी, मैंने नहीं लगवानी, मेरे सेक्रेटरीज नहीं लगवाएंगे, हम अपने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे टॉप प्रायोरिटी है सबसे पहले उन्हें लगेगा, फिर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो वल्नरेबल हैं उनको लगेगा, और आपको पूरी रीअश्योरेंस करें कि हम इंशाल्लाह बिल्कुल इस प्रोटोकॉल को टूटने नहीं देंगे। हमारे लिए कोई VIP नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़े VIP हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस वक्त फ्रंटलाइन पे काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन आप कह रही हैं कि उसको फ्री लगेगी और जो डोनेशन में आएगी, उसके बाद जब वैक्सीन सेकेंड फेज व्हेन यू विल स्टार्ट देन मेक इट क्लियर, क्या तमाम वैक्सीन फ्री होगा कि देखिए बाद में कुछ पेमेंट? हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि कोविड के दौरानिया में शुक्र है खुदा का, मैं वैसे आप सबके साथ वो शेयर भी करूँगी कि पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस सारी दुनिया ने अप्रिशिएट की, हमारे अपने लोगों ने भी अप्रिशिएट की। पंजाब हुकूमत ने सब दवाइयाँ टेस्ट सब फ्री किए और 14 अरब रुपये की लागत से यह सारा खर्चा किया। अब दोबारा हमने 2 अरब रुपए हमें दिए गए कि हम मज़ीद इंश्योर करें कि कभी किसी मरीज़ को कोई तंगी ना उठानी पड़े। आपके सामने है कि 22 अब 20 हमारे BSL लैब तैयार हो गए, 22,000 से 25,000 हम टेस्ट भी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एक दफ़ा नहीं, लोगों के 3-3 दफ़ा टेस्ट हुए जब तक वो नेगेटिव नहीं हुए। और ये हुकूमत, मैं ये जो सवाल इन्होंने पूछा है आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी। जब लोगों को लगेगा उनको नादरा की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये हेल्थ केयर वर्कर था, इसको ये वैक्सीन मिल गई है। और इसी तरीके से हमारी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि हमारे लिए एक और भी एक इशू है कि जो हमारे वर्कर्स बाहर जाते हैं, जो मज़दूर लोग हैं जो बाहर जाते हैं, उनके लिए भी हम एक अलहदा वो रखेंगे, बिकॉज़ बाहर जाने में उनको ये कि भी अगर वो वैक्सीनेटेड जाएंगे तो दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए भी इस वक्त डिस्कशन हो रही है। हुकूमत पंजाब खुद भी अपनी मेडिसिन जो है वो प्रोक्योर करेगी, उसके लिए पैसे हमने मखसूस रखे हुए। जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन का कोर्स होगा हमने इसको आपके लिए ट्रांसपेरेंट रखना है, वेबसाइट पे डालेंगे, कोई गड़बड़ हुई आपको लगा किसी VIP को लगा मुझे आपने डायरेक्टली शिकायत लगानी है, और इंशाल्लाह आई विल इंश्योर कि VIP मेरे लिए फ्रंट लाइन वर्कर। जी शान की बात सुन लो डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा जिस तरह आपने अभी बताया कि आम लोग इसमें पैनिक ना करें, इसकी रजिस्ट्रेशन का एक तरीका बता दें, और क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे मिलेगा या गवर्नमेंट का कोई और क्राइटेरिया? क्या नंबर क्या बेटा? अच्छा डॉक्टर साहब साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही NCOC के थ्रू सारी वैक्सीन मंगवा रही है या के दीगर प्रोविंसेस और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपने तौर पे मंगवा। देखिए मसला ये है कि जब आपकी वैक्सीन यहाँ रजिस्टर हो जाती है, जिसमें 3 वैक्सीन ये इनका ये जो AstraZeneca का भी रजिस्टर हुई हुई है, Sinopharm की भी रजिस्टर हुई हुई है, और स्पुटनिक जो रशिया की वो भी रजिस्टर हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर में कोई मंगवाना चाहता है तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। वजह ये है कि दैट इज़ देयर उनकी सवाबदीद है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत जितनी पॉपुलेशन की जिम्मेवारी लेगी उसको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगेगी, और हम पूरी इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे लोग भी प्रायोरिटाइज हम ज़रूर करेंगे। वो आपको मैंने पहले बता दिया है कि जी पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर जो सीनियर लोग हैं, और फिर वो लोग मेरी तरफ से वो बड़े वल्नरेबल हैं जिन्होंने बाहर मजदूरियों के लिए जाना है,
हम इंश्योर करेंगे कि उनकी भी वैक्सीनेशन हो ताकि उनको वहाँ किसी किस्म की तंगी ना हो। सूबे में कितने हेल्थ वर्कर्स हैं और जो वैक्सीनेशन होगी ये कौन कौन से सेंटर्स बनाए जाएंगे और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं जिस तरह पुलिस के अफराद हैं तो उनके लिए भी कोई? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि देखें हमारे पास टोटल जो इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो तकरीबन हमारे 5 से 7 लाख, जिसमें क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपके जनरल प्रैक्टिशनर भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हम सारों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनके अलावा जो ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पुलिस हुई, आप लोग हुए, आप भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हम इंशाल्लाह सबको जुडिशियसली करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम श्योर के रिपोर्टर्स भी 65 साल होते वाले हों। अच्छा मैडम, अच्छा, एक तशवीश पाई जा रही है आवाम के अंदर कि जो ये वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट भी मौजूद हैं, जिसके अंदर फालज और दीगर बीमारियां भी हो सकती हैं। आया कि अगर इस तरह की वैक्सीन अगर लगाने से किसी की मौत होती है या कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? देखिए बेटा, सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेवारी पे लगाएगा, कोई जबरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन। हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए, आप तशरीफ ले आए, वो आके लगवा लेता है तो उसकी मर्जी है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, वजह ये है कि ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग थे, बूढ़े लोग थे बाहर के मुल्कों में, उनको लगी, उनमें से कुछ की फौत हुई होगी। अच्छा, ये बताएं। दूसरी बात है, आपने कहा कि पता कैसे चलेगा, 1166 के ऊपर अब मैसेज भेजेंगे और वो ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि आपको अब हमने रजिस्टर कर दिया, और जैसे मैसेज आएगा आपको कि आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर हो गए, ना सिर्फ ये बताएगा बल्कि आपको ये भी खबर देगा कि आपने कौन से सेंटर से जाके वैक्सीन ले ली। दूसरी बात इन्होंने पूछा कि लॉन्ग टाइम इसका क्या इफेक्ट है, तो देखिए इट्स अ वेरी फ्लूड सिचुएशन। इस जिस तरह पूरा साल हमें लगा इस वायरस को समझने में, और आपको पता है आपको 10 किस्म की नई म्यूटेशंस आ गई, जैसे फ्लू के बारे में पहले ये था कि आप वैक्सीनेट कर दें तो हालात वो हो जाएंगे, तो फ्लू के तो अब कोई 32 किस्म की वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता हाउ लॉन्ग इट विल बी अफेक्टेड, क्या 6 महीने के बाद दोबारा लगाना पड़ेगा, लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी, वट एवर इट इज़, बट इंशाल्लाह ये तो जिस तरह सारी दुनिया फेस कर रही है हम भी उसी तरह करेंगे, और जैसे जैसे कोई खबर आएगी वो आपके सामने रखेंगे। अभी आपने बताया कि इसका कोई पता नहीं है कब तक ये कारामत साबित होती है, और दूसरा ये आपने कह दिया गलत बात ना करिए कि मैंने ऐसी कोई बात, मैंने आपसे कहा है जब वैक्सीन है हमने बताना आप लोगों को लगनी, अ पर्सन किसी मरीज को अकॉर्डिंग टू एथिक्स आप कोई जबरदस्ती काम नहीं कर सकते। अगर एक मरीज कहता है मैं नहीं लगवाना चाहता वैक्सीन तो हम ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते, ये बात मैंने आपको कही है। अव्वल तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग आके वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन ये मैं आपको एथिकली बता दूं, आप किसी का ज़बरदस्ती इलाज भी नहीं कर सकते, नंबर वन, लेट मी मेक इट क्लियर, और कोई बात नहीं। लोग साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जब हम बताएंगे तो बाकायदा उनको साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाएंगे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एथिक्स कि हम उनके साथ साइड इफेक्ट्स शेयर करें, तो ये आपको। दूसरा आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं किसके इफेक्ट, तो ये सिर्फ हमें नहीं, दुनिया के किसी साइंटिस्ट को नहीं पता कि आगे फ्यूचर में इसकी म्यूटेशंस अगर हुई तो इसका क्या असर होगा। अभी आपके सामने है कि जो एक ब्रिटेन की और एक साउथ अफ्रीका म्यूटेशन है, दे फील दैट दिस इज़ मोर विरुलेंट, कि वो ज़्यादा इन्फेक्ट करती है, उसका इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, उसका वो अलहदा बात है कि उसका अफेक्ट बीमारी पे कितनी तशवीशनाक बीमारी होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये कि इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ आ रही हैं आपके सामने है। जब हमने ट्रीटमेंट शुरू की वी हैव लर्नड अ लॉट, अब हमें समझ आ गई है कि वेंटिलेटर्स की जगह आप हाई प्रेशर ऑक्सीजन दें तो उसका बेहतर असर होता है। तो ये एक रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के सारे कोने में है। हो सकते हैं ये जरा बता दें आवाम को, और दूसरा ये भी बता दें कि ओपोजिशन ये कह रही है कि साइड ये जो वैक्सीन है ये पाकिस्तान ने बहुत लेट मंगवाई है,
तो इसमें आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, पाकिस्तान ने कैसे लेट मंगवाई है? ओपोजिशन तो आपको पता है कभी खुश है हमारे से? इतना अच्छा काम कोविड में हुआ, सारी दुनिया ने तारीफ की, वो फिर खड़े होकर हमारी बुराइयां कर रहे हैं। हमारा माशाल्लाह सिंध हुकूमत अपोजिशन में है, हमने इंश्योर किया कि वैक्सीन आई है तो उनको भी उसका हिस्सा मिले। उनकी सारी बातें अपनी जगह, वक्त के साथ वैक्सीन आ गई है, सारी दुनिया में इसी वक्त रोल आउट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बुध वाले दिन रोल आउट कर रहे हैं। आपको बताया है सारी सप्लाई जो है उसकी पूरी डिटेल सुना दी है आप लोगों को। और मैं आपको एक बड़ी क्लियरली बात बताऊँ, हम बड़े हमारी क्योंकि जिस तरह की चाइना के साथ दोस्ती रही है, इट्स वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, हमेशा चाइना ने हर तरीके से सपोर्ट किया और अभी भी ये पहला तोहफा चाइना ने भेजा है और चाइनीज़ हुकूमत ने पूरी उसके साथ कहा है कि आप लोगों ने वैक्सीन के बारे में जी देखें साइड इफेक्ट्स। देखें जब आप वैक्सीन देते हैं तो ऑल दो इट इज़ नॉट इट्स एन आरएनए वैक्सीन, ये कोई लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन नहीं है। साइड इफेक्ट अगर कोई बहुत फ्रेल हो, चांसेस हैं उनसे बुखार हो जाए या कुछ इस तरह के बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक साइड इफेक्ट नहीं होता। वैक्सीन्स के जैसे अटेनुएटेड वैक्सीन है पोलियो की, इनके अपने कोई डिफरेंट वो साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे जैसे अभी वैक्सीन लगेगी, देखिए ना हम तो सपोज कर रहे हैं कि वैक्सीन लगेगी तो उसके सामने जिस तरह जैसे साइड इफेक्ट्स आएंगे दे विल बी रिकॉर्डेड एंड दे विल बी शेयर्ड। अच्छा मैडम ये अब लास्ट में मैडम साइड इफेक्ट क्या है, ये बताया जा रहा है कि इससे पालक भी हो सकता है, एड्स भी हो सकती है, क्या पालक हो सकता है, एड्स हो सकती है, इस तरह का साइड इफेक्ट है, बहुत सारे मालिक के अंदर पहले उन्होंने क्या कर दी है मैडम? अब अगर सब बोलेंगे तो मुझे नहीं पता लगेगा क्या बोल रहे हैं मैडम। ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के वाले से, अच्छा मैं पहले उनकी बात सुन लूं। जी बेटा बताइए, पहली बार ये मुहिम शुरू हुई है उससे पहले 900 से ज्यादा तरबियत याफ्ता अमले की कमी थी, जो स्पेशलाइज नर्सिस जो है वो ली गई है इसके लिए, तो ये जो कमियां हैं ये कब तक पूरी होंगी? ढाई साल जो है वो आगे हो गए। हाँ मैं जवाब दे देती हूँ बेटले, तो बेटा इस बात की तो दाद दे दो कि जो कमियां थी 50%, उसमें 32,000 बंदा कभी सुना है कि किसी डिपार्टमेंट में आते सार 1.5 साल के अंदर 32,000 बंदे ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूट किए, पहले तो उसकी भी कभी शाबाश भी दे दिया करो। दूसरी इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेटर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ये अभी क्लियर कर लेते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेटर्स। आप बताइए बेटा। देखिए मैं ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिस जो 900 लोगों की कमी की आप बात कर रहे हैं, ये कमी स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं हम। ये स्पेशल कैंपेन में हमने मोबिलाइज किया 15 दिन के अंदर पंजाब की अर्बन एरियाज़ के तमाम बच्चों को वैक्सीनेट करना है, वो यकीनन डिपार्टमेंट के स्टाफ से मुमकिन नहीं है, उसमें हमने स्पेशलाइज से मदद ली है। इसके बाद जब ये रूटीन ईपीआई का हिस्सा बन जाएगा तो हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीनेटर्स अवेलेबल हैं जो ये काम किया करेंगे। मैं दोबारा वाजे कर दूं कि ये चूंकि पंजाब में 9 माह से लेकर 15 साल तक के तमाम बच्चों को हमने वैक्सीनेट करना था और एक दफ़ा करना था, इसलिए ये एक स्पेशल कैंपेन के तौर पर आए हैं। जिस तरह हम पोलियो कैंपेन में जाते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट्स से लोग लेते हैं, इस तरह इन 15 दिनों के लिए हमने लोग ट्रेंड लोग बोरो किए हैं स्पेशलाइज हेल्थ के डिपार्टमेंट से, जो ये वैक्सीनेशन करने के बाद वापस चले जाएंगे। और एक कार्ड में कितनी अमाउंट होगी और कितने फैमिली के लोग इसे फायदा? अच्छा देखिए मैं नहीं बात सुनी बेटा, जहाँ तक हेल्थ कार्ड का ताल्लुक है, सबसे पहले तो जब हम हेल्थ कार्ड किसी को देते हैं उनको बताते हैं कि कौन से अस्पताल इंपैनल है। प्राइवेट इस वक्त हमारे पास 270 अस्पताल जो हैं वो हमने पंजाब के अंदर इम्पैनल किए हैं, प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल की बात कर रहे हैं। 5 हमारे सरकारी अस्पताल हैं, जितनी इंस्टीट्यूट्स ऑफ कार्डियोलॉजी वो सारी इसके अंदर इम्पैनल हुई। अब जैसे हमारा अभी नए कार्ड का सिस्टम आ रहा है उसमें क्योंकि सर्विसेज इस तरह की हैं जो हमारे अस्पतालों में मौजूद हैं, जैसे डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन है, एक्सीडेंट ट्रॉमा है, न्यूरो सर्जरी है, डायलिसिस है, हम अपने अस्पताल भी उसमें इम्पैनल करेंगे ताकि किसी का कोई कार्ड होगा और आपका जो आईडी कार्ड है आपको किसी ने आपके पास आईडी कार्ड जो है वो आपका फैमिली कार्ड है। फैमिली का जो हेड है मियाँ बीवी और बच्चे, अगर उस घर में 2 मियाँ बीवी हैं तो उन दोनों इंश्योर हो जाएंगे 7,20,000 के लिए। अगर उनके 3 नहीं, पेरेंट्स का अपना कार्ड होगा। फैमिली वाइज यू मस्ट रिमेंबर एवरी पर्सन हु इज अ फैमिली के भाई मियाँ बीवी हैं 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं 4 बच्चे हैं, उसके मुताबिक उनके बे फॉर्म के मुताबिक
एवरी वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी एंटाइटल्ड टू 7,20,000 7,20,000 पे ये रुकता नहीं है, क्योंकि अगर वो मरीज दाखिल है हस्पताल के अंदर मजीद पैसों की ज़रूरत है तो ये 10 लाख 10.5 लाख पे चला जाएगा। ये पहली दफ़ा, ये मैं आपको ये बता दूँ, ये पहली दफ़ा एक फलाई रियासत की सोच के साथ ये बात की जा रही है कि हर इंसान का सेहत की सहूलत पे हक है, हर बंदे को ये कार्ड दे दिया जाएगा। और मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि लोगों को कई दफ़ा गलत फहमी होती है, उस अस्पताल में चले जाते हैं जिस अस्पताल इम्पैनल नहीं है, जो इम्पैनल्ड अस्पताल हैं उन सारे अस्पतालों के अंदर काउंटर लगे हुए इंश्योरेंस कंपनी के, इंश्योरेंस वाले वहाँ खड़े इंतज़ार करते हैं, वो आपके एडमिशन में फैसिलिटेट करते हैं, आउटडोर के लिए नहीं, आउटडोर के लिए नहीं है, ये इनडोर फैसिलिटीज़ हैं कि आप दाखिल हुए, आपका ऑपरेशन हुआ, आपका डायबिटीज़ का इलाज हुआ, आपकी डायलिसिस हुई, उसके लिए सबके लिए। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्योंकि पैसे देने हैं, इंश्योरेंस कंपनी खुद अपना ख्याल रख लेती है कि कोई गलत इस्तेमाल।